हेलो, मेरा नाम डॉक्टर दीपक केड़ेकर है। मैं एक मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ एक डिप्रेशन के केस स्टडी के बारे में। डिप्रेशन की एक केस स्टडी है, उसके बारे में बताऊँगा। अभी अभी मेरे पास में एक व्यक्ति आया था, उसका उसकी उम्र अंदाजे 50 साल की होंगी और पिछले 2 साल से उसको तकलीफ हो रही थी। तकलीफ कौन सी हो रही थी कि अचानक उसने काम करना बंद कर दिया, कहीं सर्विस करा था वो सर्विस छोड़ दिया, राजीनामा दे दिया, साइड बिजनेस करा था वो भी बंद कर दिया, काम करने की इच्छा ही उसकी खत्म हो गई कि काम करना ही नहीं, अभी कोई इच्छा नहीं होती बाहर जाने की, कोई काम करना, कोई पैसा कमाना, मतलब ऐसी इच्छा नहीं हो रही उसकी। सुबह जल्दी उठ जाना, करीब करीब 4 बजे 4:30 बजे जल्दी उठ जाना, रात को लेट सोना, और सुबह उठने के बाद में ऐसा उठते ही उसको ऐसा लगता है कि बहुत दुखी है, बहुत निराश है, उदास है। फिर जैसा जैसा दिन बढ़ते जाता है वैसा वैसा उसको थोड़ा थोड़ा अच्छा लगता है, खाने की इच्छा नहीं, वजन कम हो गया करीब करीब 15 किलो, और कभी कभी अपने मन से बातचीत करना, ऐसा लगता है कि लोगों से बात कर रहा है, मगर एक्चुअली ऐसी पागलपन का नहीं था वो, मतलब नॉट लाइक मतलब ऐसा इरेलेवेंट टॉक है या पागल ऐसी बातें नहीं, ऐसा कुछ लगता कि कुछ भी बात कर रहा है वो। और कभी कभी मरने के ख्याल आते हैं कि भाई मैं मर गया तो अच्छा है। काफी सारे मनोविकार तज्ञ का उसने इलाज किया, बहुत महंगी महंगी दवाई खा रहा है, मगर उसका इलाज तो कोई हो नहीं रहा है, मतलब वो ठीक नहीं हो रहा है। उन्होंने डायबिटीज़ का देख लिया कि डायबिटीज़ है क्या, थायराइड की बीमारी है क्या, ब्लड प्रेशर है क्या, मतलब बाकी कुछ भी बीमारी उसको नहीं है, सब तब बिल्कुल मतलब सीटी स्कैन या पूरे खून की तपास मतलब सब कर लिया, और उनको कुछ मिल नहीं रहा कोई डॉक्टर को। मनोविकार तज्ञ का इलाज चालू है और वहाँ उन्होंने मेरे को बताया कि अभी आप देखिए आप कुछ कर सकते क्या इसमें। अब सब दवाई उसको दे चुके थे, एंटी डिप्रेसेंट, मतलब डिप्रेशन की दवाई उसको अलग 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 तरह की पिछले 2 साल में उसको दे चुके हैं। अब मेरे पास में कुछ बचा नहीं देने के लिए, तो मैंने उनको यह सजेस्ट किया कि भाई आपको इलेक्ट्रिक कन्वल्सिव थेरेपी मतलब ECT की ज़रूरत है, क्योंकि कभी कभी मरने के भी विचार आते हैं, दवाइयों से कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो अपन ECT करेंगे, मतलब शॉक ट्रीटमेंट। तो वो राजी हो गए शॉक ट्रीटमेंट करने को, क्योंकि बाकी कोई चारा नहीं था। और हमने उनको एक दिन आड़ उसको 8 ECT मैंने दिए, और वो कम्प्लीटली पूरा वर्क अच्छा हो गया, कम्प्लीटली नॉर्मल, मतलब उसका जो मेंटल इम्बैलेंस हो गया था, ब्रेन में जो केमिकल लोचा जो हम बोलते हैं केमिस्ट्री, उसकी जो इम्बैलेंस हो गई थी वो दवाई से ठीक नहीं हो रही थी, और इलेक्ट्रिक शॉक देने के बाद में पूरी ठीक हो गई, एकदम नॉर्मल हो गया। उसके रिश्तेदार हैं उनको भी ताज्जुब लगा कि भाई ऐसा कैसा हो सकता है, 2 साल से हम परेशान हैं, 2 साल से ये घर में बेड के ऊपर लेटा हुआ है, कोई काम नहीं करता है, कहीं आना नहीं जाना नहीं, शादी में नहीं, कोई कोई बीमार है तो वहाँ जाना नहीं, कोई काम का नहीं रहा, 2 साल हमने सफ़र किया, और अभी ये 15 दिन में कितना अच्छा कैसे हो सकता है। मतलब हो सकता है क्योंकि डिप्रेशन की बीमारी ऐसी है कि जो इम्बैलेंस था वो इम्बैलेंस उसको करेक्ट कर दिया हमने। फिर उसको मैंने दवाई भी दिया कि दवाई लो, और उसको मैंने साइकोथेरेपी सजेस्ट किया, मानसोपचार, क्योंकि वो ये बीमारी ऐसी डिप्रेशन की फिर से आ सकती है, या फिर वो मैनिया में जा सकता है, मतलब उन्माद या हर्षवायु में जा सकता है। तो डिप्रेशन के लिए मैंने उनको बोला कि भाई घर में मानसोपचार क्या क्या करना है, घर के लोगों को बताया, यहाँ मेरे पास में आके क्या क्या मानसोपचार करना है, मतलब साइकोथेरेपी कौन सी देना है, कितने बार आने का है, क्योंकि इसमें होता क्या है कि उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट करना जरूरी है। होता क्या है कि 50 साल के बाद में उसको लगता है कि अभी बीमारी हो जाएंगी क्या, कोई बड़ी बीमारी आ जाएंगी, या कोई कैंसर हो जाएगा, डायबिटीज़ हो जाएगा, या कहीं बिजनेस में लॉस हो जाता है, बच्चे घर से निकल जाते हैं पढ़ाई के लिए बोलो, या लड़की शादी शुदा होकर निकल जाती है, तो उसको अकेलापन लगता है, और उसमें कोई बड़ा हादसा हो गया तो फिर और जल्दी डिप्रेशन आ जाता है। तो ये सब लोगों का मतलब ये सब जो बातें हैं इसका सामना कैसे करना, खुद को पावरफुल कैसे बनाना, उसके लिए साइकोथेरेपी की जरूरत है, मानसोपचार की।
तो उसके लिए मैंने उसको सजेस्ट किया, अभी वो फिलहाल मेरे पास में आ रहा है, साइकोथेरेपी चालू है और कम्प्लीटली नॉर्मल है। उसको भी लगता है कि मैंने नौकरी क्यों छोड़ दिया, राजीनामा क्यों दे दिया। अभी जो उसका खुद का साइड बिजनेस था वो भी बड़ा करना चाहता है वो, और उसको विश्वास है कि एक साल दो साल में वो पूरा बिजनेस फिर से खड़ा कर लेगा। ऐसे काफ़ी सारे लोग होंगे कि जिनको आप मदद कर सकते हैं, जिनको बोल सकते हैं कि भाई इस तरह की यदि बीमारी है तो इसका इलाज है, नहीं तो फिर ये आदमी ऐसी गोलियाँ खाते रहता था और पता नहीं कितने साल निकल जाते थे। तो ये ज़रूर लोगों को आप वीडियो शेयर करो, सब्सक्राइब करो। आपके परिचित जो होंगे जिनको ऐसा डिप्रेशन का प्रॉब्लम होगा उनको ये बताओ कि भाई ऐसी इलाज हो सकता है और इसका इलाज करो, ताकि आप मतलब मेंटल हेल्थ फॉर ऑल जो हमारा मिशन है, सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य, एडिक्शन फ्री इंडिया, कभी व्यसन मुक्त भारत, और जो भी नॉर्मल लोग हैं उनको कैसा हम पावरफुल बनाएंगे, कैसा उनको सक्षम बनाएंगे, उसके लिए हमारा जो कार्यक्रम चालू है उसमें आपका हाथ लग जाएगा, उसमें आपका सपोर्ट हो जाएगा। सो जरूर वीडियो शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।